अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत? ठीक ठाक। आज हम पढ़ने जा रहे नेक्स्ट टॉपिक ऑसिलेशन वाइब्रेटरी मोशन क्लास 10th अबाउट ए मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या है ये? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या था? पीरियोडिक मोशन वाज सच अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन पैरामीटर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जिस तरह हमने यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल दी थी, अब वाई स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द स्टेयर्स, ये एग्जांपल दी थी। फिर हमने कहा था कि पीरियोडिक मोशन की एक और टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या था? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। जो बॉडी, ये देखिए यार, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर एक जिस्म, एक बॉडी अपने मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं क्या? टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। क्या? टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या? हमने एक इक्वेशन लिखी थी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर एन। फिर इस इक्वेशन के मुख्य टाइप्स लिखे थे। फिर इन इक्वेशंस में एक सिंपल इक्वेशन आया था माइनस के एक्स पावर वन, जिसको हमने नाम दिया था एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका इक्वेशन है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेयर नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि पेंडुलम का जो मोशन है, अबाउट पेंडुलम, व्हाट इज, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। What is simple pendulum? May I erase this one? तो हमने पहले पिछली दफा पढ़ी थी। It is what is simple pendulum? पहले आप ये याद करें, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि A is directly proportional to minus x in simple pendulum motion। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट हैंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट हैविंग अबव अ मास एम एट इट्स लोअर एंड। क्या है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी जो जिसकी एक सिरा एक रिजिड सपोर्ट के साथ क्या है, अटैच है, मतलब छत वाल है, और एक सिर के साथ एक मास एम अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। याद करके, ये जो स्ट्रिंग होता है ये इनएक्सटेंसिबल है। क्या ये इनएक्सटेंसिबल मीन जो आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, ऐसे स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? यानी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज फिक्स, और ये स्ट्रिंग मासलेस भी है, इसका मास मतलब ना होने के बराबर है। ये आइडियल केस है, जिसका मास ना हो, इनएक्सटेंसिबल हो, ये तो आइडियल केस बन गया। और ये बॉब है मास एम का। अब इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम के और भी टाइप्स है, जिस तरह सेकंड पेंडुलम है, जिस तरह कॉनिकल पेंडुलम है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? सिंपल पेंडुलम। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर आप इस मास को, पहले आप ये बताएं, जिस पोजीशन पर, जिस जगह पर ये मास फिक्स है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? मीन पोजीशन, एमपी। जब मास मोशन ना करे पेंडुलम का, जिस स्टेट, जिस पोजीशन पर ये कड़ा है, ये रखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन पर इस मास के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हम ये निकालेंगे। सबसे पहले पता है क्या, इस मास का वेट नीचे की तरफ एक्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम वेट बोलते हैं। अब स्ट्रिंग रस्सी में ऊपर की तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? टेंशन।
क्या प्रोड्यूस करेंगे ऊपर की तरफ। इसका लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज एल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज क्या? एल। अब चूंकि नमास नीचे की तरफ आ रहे हैं न ऊपर की तरफ, इट मींस यहां मीन पोजिशन पर मास पर लगने वाले फोर्सेस अगर हम इनका नेट निकाले तो वेट इज इक्वल टू टेंशन है। अगर वेट ज्यादा होती तो मास किधर? नीचे की तरफ। और अगर टेंशन ज्यादा होता तो किधर? ऊपर की तरफ। न तो मास नीचे की तरफ आ रहा है न ऊपर की तरफ, इट मींस टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो अगर यहां पर हम टेंशन इज इक्वल टू वेट लगाए तो फिर इसके ऊपर नेट लगने वाले फोर्स क्या है? जीरो। और जिस पॉइंट पर बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम पोजिशन। तो मीन पोजिशन या एक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन व्हिच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एक्विलिब्रियम पोजिशन बोलते हैं। तो ये बॉडी किस पोजिशन पर है? एक्विलिब्रियम पोजिशन पर है, मीन ये मोशन नहीं कर रहे। अब लेट सपोज हम इसी मास को डिस्प्लेस करें ऊपर की तरफ। याद रखिए मेरे भाई, ये जो मोशन पेंडुलम है, अब हम कंसिडर करते हैं ऐसे मोशन को, ये पेंडुलम मोशन है। लेकिन ईच मोशन, एवरी टाइप ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट एस एच एम। दिमाग में रखे, ईच टाइप ऑफ मोशन यानी आपके मर्जी के मुताबिक मास जैसे भी मोशन करे आप बोलोगे एस एच एम है, नहीं, दिस इज अ स्पेशल केस जो आगे आएगा। हम फिलहाल मास को यहां से डिस्प्लेस करके यहां आएंगे। लेट सपोज हम इस मास को डिस्प्लेस करके इधर ले आए। लेट हम इस मास को कहां क्या करें? लेट द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन टू एंड सच पोजिशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन। क्या? एक्सट्रीम पोजिशन, इट इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन। मीन पोजिशन से अलावा आप मास को जहां पर भी चेंज कर रखे इस पोजिशन को आप क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजिशन कहते हैं। अब अगर मैं इस मास को यहां पर लेफ्ट करूं छोड़ू तो ये क्या करेगा? ये आगे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, फिर से पीछे, फिर से आगे। ये क्या करेगा? क्या ये मास अपने मीन पोजिशन के अराउंड मोशन नहीं करेगा? विल द मास नॉट मूव अराउंड इट्स मीन पोजिशन? ये तो हमने क्या कहा था? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज क्या? वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहा था हमने? व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो पीरियडिक मोशन। अब इसके अंदर मास इक्वल इंटरवल्स में अपने हर पैरामीटर को रिपीट कर रहा है, मोशन को रिपीट कर रहा है, लेकिन टू एंड फ्रो है। तो इस मोशन का हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब सवाल ये कि मास यहां पर मौजूद है, पहले मास यहां पर है तो मास लगने वाले नेट फोर्स मास पर कितना है? जीरो। तो मास का वेलोसिटी सपोज जीरो, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, नथिंग है, क्योंकि अरेस्ट में। जब हमने मास को डिस्प्लेस करके मींस एक्सट्रीम की तरफ, तो यहां पर तो इस पॉइंट पर क्या, अगर अब हम इस पॉइंट के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स निकाले तो क्या वो नेट फोर्स जीरो आएगा? अब हम इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या करेंगे? निकालते हैं। अगर इस पोजीशन पर हम नेट फोर्स निकाले और नेट फोर्स की कीमत जीरो आए तो बी इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं आया तो क्या होगा वो देखते हैं। अब लेट सपोज मैं, चल इसको इरेज करते हैं, ये तो आपने सुना एक की कौन सा पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब सबसे पहले मास वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। टेंशन किधर स्ट्रिंग में? इस तरफ। बताएं क्या टेंशन वेट को कैंसिल कर सकता है? अगर ये 180 डिग्री अपोजिट होता, यानी अगर इस कंडीशन के मुताबिक टेंशन ऊपर वेट नीचे तो कैंसिल कर सकता, लेकिन इस पोजीशन पर बताएं क्या वेट और टेंशन के दरमियान एंगल 180 है? नहीं। अगर वेट यहां लगता इस तरह तब तो सही है, टेंशन वेट कैंसिल, लेकिन वेट तो नीचे की तरफ है। इट मींस इस पोजीशन पर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता,
क्यों ये मुकम्मल अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट होते तो हम बोलते कैंसिल कर सकते हैं, फिलहाल ये बराबर नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो हम कहते हैं ये कैंसिल एक दूसरे को नहीं कर सकते, तो मतलब नेट 4-0 नहीं आ सकता। तो क्या करते हैं, चले हम वेट को रिजॉल्व करते हैं। आप टेंशन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल हम वेट को रिजॉल्व करते हैं। लेट हम इस लाइन के मुताबिक वेट यहां पर एक एंगल बनाता है। याद रखें जितना ये एंगल है, आपने जितना एंगल मास और लेंथ स्ट्रिंग को यहां से डिस्प्लेस करके यहां लाया तो थीटा बन गया, ये उतना ये एंगल है। अब जिस लाइन के साथ हम ये एक टॉपिक पढ़ते हैं एंगल टेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जिस लाइन के साथ आप एंगल थीटा बनाते हैं वहां पर बनता है डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स मीन्स डब्ल्यू कॉस थीटा। अब शायद अरुण को याद होगा चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फोर्स पढ़ा था, एक्स एक्सिस पर कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर साइन थीटा। तो ये हमारा एक्सिस बन गया कॉस थीटा और यहां पर बनेगा हमारा वाई एक्सिस यानी डब्ल्यू वाई यानी डब्ल्यू, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू वाई मीन्स डब्ल्यू साइन थीटा। ये देखें क्या डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई 180 डिग्री अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, टेंशन ऊपर की तरफ डब्ल्यू एक्स, तो टेंशन डब्ल्यू एक्स को कैंसिल करेगा। अब ये देखिए अब वेट नहीं रहा क्योंकि वेट को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। इन दिस कंडीशन वी हैव रिजॉल्व द वेट इन टू एट्स। इन सच कंडीशन हमने वेट को क्या किया है, हमने वेट को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, तो डब्ल्यू एक्स कैंसल बाय टेंशन, क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ डब्ल्यू वाई। अब बताए डब्ल्यू वाई क्या मीन पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा है, और हमने मास को डिस्प्लेस किया, लेट सपोज हमने मास को एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, इसको यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू वाई किधर लग रहा है टुवर्ड्स मीन, यानी यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि ये जो डब्ल्यू एक्स है ये टेंशन के बराबर है तो ये दोनों कैंसल। अब क्या रह गया हमारे पास, रह गया डब्ल्यू वाई। इट मींस इस पॉइंट पर बॉडी पर भाई अब नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर डब्ल्यू कैंसल बाय टेंशन तो नेट फोर्स जीरो, यहां डब्ल्यू एक्स कैंसल बाय टेंशन तो सही है लेकिन एक फोर्स तो रह गया, कौन सा, डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू वाई इज द ओनली एंड ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास क्योंकि ये दोनों कैंसिल तो क्या रह गया सिर्फ डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई इज टुवर्ड्स किधर मीन पोजिशन, इट मींस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, सिंपल डब्ल्यू वाई है, बाकी कुछ भी नहीं है, फोर्स सिर्फ क्या रह गया डब्ल्यू वाई। अब आप लोगों को याद होगा हमने जब एस एच एम पढ़ा था हमने कहा था इन एस एच एम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। एस एच एम जो भी बॉडी एस एम कर रही है इसमें फोर्स लगने की किस तरफ होता है, फोर्स लगने वाला ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो किधर है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। अब इधर देखें क्या ये डब्ल्यू वाई टुवर्ड्स मीन पोजिशन नहीं है, ये डब्ल्यू वाई इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। आई मीन क्या डब्ल्यू वाई क्या कर रहा है, ये एज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मीन पोजिशन, डब्ल्यू वाई कंपेल्स द बॉडी टू कम टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन, यानी सिर्फ डब्ल्यू वाई रह गया जो इस बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर आएगी, सिर्फ क्या डब्ल्यू वाई। अब तुरंत फोर्स क्या रह गया सिर्फ डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू वाई टुवर्ड्स मीन पोजिशन जानते हैं आप लोग, और जिस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन हम क्या लगाते हैं वहां पर माइनस साइन, सो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वाई। अब बताए क्या ये नेट फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट क्या है, एफ नेट वो फोर्स है जो किसी भी जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, सो एफ नेट इज इक्वल टू क्या एम ए। अगर मैं यहां पर ये लगाऊं एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और जहां पर वाई पर कौन थीटा है हम साइन थीटा जगह लगाते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। अब एम ए इज इक्वल टू माइनस क्या डब्ल्यू वाई एम जी के बराबर नहीं है, बाई वेट फॉर्मूला क्या है एम जी
वेट इज इक्वल टू क्या? वेट इज इक्वल टू, ये तो सब जानते हैं, mg. सो mg sin थीटा. अब कैंसलेशन सबका फेवरेट स्टेप क्या है? मास से मास कैंसल, ये मास सेम है. अब a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा. अब देखते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है कितना, यानी अगर हमारा थीटा इक्वल टू या लेसर देन 10 डिग्री है, कौन सी थीटा, किसकी बात मैं कर रहा हूं, इस थीटा की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये थीटा इक्वल या लेसर देन 10 डिग्री है, तब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. अगर थीटा स्मॉल है, अगर हमारा डिस्प्लेस किया हुआ थीटा, जिस एंगल से हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया हुआ, क्या 10 डिग्री से इक्वल या लेसर है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट. यानी अगर आप कैलकुलेटर में साइन 8 पुट करें और फिर साइन सॉरी टेंजेंट 8 पुट करें, यू विल गेट द सेम आंसर, मतलब यू विल हैव सेम वैल्यू, इनकी कीमत क्या होगी, सेम. अब हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार अगर ये थीटा 10 डिग्री से ऊपर है, यानी ये मोशन का ये पेंडुलम ये, तो फिर सही है, ये वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन ये SHM नहीं है. अगर पेंडुलम मोशन कर रहा है ग्रेटर एंगल पर, ये ग्रेटर एंगल पर इस तरह, फिर सही है, ये वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन SHM कभी भी नहीं है. और अगर पेंडुलम मोशन कर रहा है लेकिन स्मॉल एंगल पर, ये 10 डिग्री लेस देन 10 डिग्री, ये तब ये वाइब्रेटरी भी है, SHM भी है. तो मोशन ऑफ पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल इज SHM. अगर एंगल बढ़ गया तो फिर ये वाइब्रेटरी है, SHM कभी भी नहीं है. ये फिर हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM में इंशाल्लाह. अब क्या मैं a इज इक्वल टू माइनस g tan थीटा पुट कर सकता हूं, क्योंकि sin इज इक्वल टू क्या, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एंगल इज वेरी स्मॉल, और जब एंगल स्मॉल तो हम sin को tangent के बराबर ले सकते हैं. अब देखते हैं, मैंने क्या कहा था, जितनी ये थीटा उतनी ये थीटा है, जितनी ये थीटा, अगर ये 30 तो ये भी 30, 40 तो ये भी क्या है, 40 है. अब अगर मैं यहां से tan थीटा कैलकुलेट करूं, आपको पता है एक फार्मूला, थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी tangent थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इस ट्रायंगल में देखिए, क्या एंगल किस सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं होता है, इट मींस यहां पर हमारा एक्स क्या है, परपेंडिकुलर, और क्या है इसका लेंथ नहीं है, और लेंथ क्या होता है हमारा, बेस. मैंने क्या कहा, ये क्या है इसका लेंथ है, तो ये लेंथ बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब पुट दिस वैल्यू हियर, यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स अपॉन एल. अब सोचते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसका लेंथ फिक्स है. Extensible means length is fixed. अगर length fixed ना होता तो फिर यहां पर जो length आया हम इसको constant नहीं ले सकते. अब मैंने पहले ही बताया कि length is fixed, inextensible, तो फिर ये तो constant है, मतलब length is constant. और जी तो आप जानते हैं already क्या है constant है, क्या constant है, gravitational acceleration है. तो अगर ये दोनों constant है तो क्या मैं a is equal to minus constant into x नहीं लिख सकता, जी अपॉन एल को मैंने रिमूव किया, एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया. तो अगर मैं इस कांस्टेंट को रिमूव करूं तो इक्वालिटी चेंजेस बाय व्हाट, तो यू विल गेट क्या, यू विल गेट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स. बताए क्या ये SHM का इक्वेशन नहीं बना, इट मींस यस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, is SHM, लेकिन एक शर्त, for smaller angles, याद रखे, यानी theta must be lesser or equal to, अगर theta
10 डिग्री से ऊपर चली गई, यानी 12, 13, 14 या इस ऊपर, तो ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है SHM. अगर थीटा 10 डिग्री से लेसर है या इक्वल टू 10, मतलब 9, 8, 7, 6 ये, तो फिर ये क्या है? आपका मोशन फॉर्मूला क्या है? SHM है. सो द आंसर इज यस, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM. लेकिन आप किताब भी चेक करें, किताब में आई थिंक इसका के पेज पर बना है एक स्मॉल टेबल, वहां पर आपको मिलेगा फॉर स्मॉलर एंगल द मोशन पेंडुलम इज क्या, SHM. अगर ये थीटा ग्रेटर होती तो फिर मैं साइन को टेन के बराबर नहीं लिख सकता, और अगर मैं ये बराबर ना लू तो फिर मुझे ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा. इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर स्मॉलर एंगल साइन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो यस, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज क्या, SHM, और यही हमारा आज का मकसद था. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. हमने कोशिश की कि इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें, वेरी सिंपल वे. जहां पर भी मसला हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि इधर मसला है, हम क्लियर करेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. लेकिन उम्मीद है मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया. आपके लिए ही है, हम आपके लिए पढ़ाते हैं ताकि आपको जो भी मसला हो आपका वो क्लियर हो जाए. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखना.